आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है, लेकिन ये कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। कोई भी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में जब होता है तो कोई थर्ड पैरामीटर से यहां पे क्या है आपका थीटा, थीटा इन दोनों पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज अ पैरामीटर। जैसे थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जिसकी वजह से पॉइंट पी की लोकेशन चेंज होगी। तो ये तो रही बात कर्व की, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, ठीक। लेकिन एक्स तो थीटा का फंक्शन है, और अगर एक्स थीटा का फंक्शन है तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स दैट विल बी डी बाई डी थीटा ऑफ ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा। तो फाइनली क्या आ गया आपका माइनस ए टाइम्स साइन थीटा से दैट इज योर डी एक्स बाई डी थीटा। सिमिलरली आप क्या करोगे, वाई भी थीटा का फंक्शन तो वाई को भी डिफ्रेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वाई आपका बी कॉस थीटा दिया गया है, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी वाई डी बाई डी थीटा ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, तो बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो जैसे यहां पे किया था आपने है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी साइन थीटा, दैट इज योर फोर्थ रिलेशन। बट आपको निकालना क्या है डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स होता क्या है डीवाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो आप यहां से डीवाई बाई डी थीटा आपके पास माइनस बी साइन थीटा है अपॉन आपका बी कॉस थीटा हो गया, सॉरी एक क्या है आपका माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी बाई ए बचा जो कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब अगर स्लोप कॉन्स्टेंट होता है तो आप इससे क्या डिसीजन ले सकते हो कि ये कोई लीनियर कर्व होगा, ठीक है। खैर अभी तो डी बाई डी एक्स निकालना था। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या पैरामेट्रिक फॉर्म के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं दूसरे तरीके से भी किए जा सकते हैं, अगर पैरामीटर को ही सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो अगर हम अल्टरनेटिव मेथड की बात करें, अल्टरनेटिव मेथड तो हम ये कहेंगे कि यहां से कॉस थीटा को दोनों जगह से निकाल के रिप्लेस कर देते हैं। पहले से कॉस थीटा निकालोगे तो एक्स बाई ए आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा, और दूसरे से कॉस थीटा क्या आएगा वाई बाई बी आएगा। तो हम अगर रिप्लेस कर दें तो एक्स बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा ए बाई, सॉरी ये बी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स। अब ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं बची क्योंकि पैरामीटर को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब तो सिंपल वाई एक्स में रिलेशन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जो आपको टास्क दिया गया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बी बाई ए एक्स, बी बाई ए बाहर आ जाएगा और डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये वन होता है, तो आंसर क्या आ गया बी। ये भी एक तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का, लेकिन ठीक है अगर क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है तब तो आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया है तो आप अगर हो सके तो पैरामीटर को एलिमिनेट कर लीजिए, अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आपके पास तरीका तो है ही है, ठीक है।